हेलो एंड वेलकम फ्रेंड्स। पाइथन के अंदर एक और मेथड होता है जिस मेथड का नाम है इंसर्ट। क्या यूज होता है इसका, आइए समझते हैं। पॉप और पुश तो हम पहले ही देख चुके हैं लेकिन इंसर्ट हमने नहीं देखा है। तो यहां पर एक मैं नेम नाम से बना लेता हूं और यहां पर लिस्ट बनाऊंगा। मैं क्या बनाऊंगा, नेम नाम से लिस्ट बना रहा हूं और यहां पर लिस्ट में नाम लिखूंगा। जैसे मान लीजिए ये मैंने अपना नाम लिख दिया और एक हमारे मित्र है उनका नाम लिख देता हूं, तो यहां पर उनका नाम लिख दिया, ठीक है। और भी इसी तरह से और भी नाम लिख देता हूं, लाइक सोहन, रोहन, ऐसे कुछ और भी नाम लिख देता हूं। तो ये लिख दिया मैंने और यहां पर डबल कोट्स ओपन होगा फिर क्लोज होगा इस तरीके से, और फिर यहां पर कॉमा लगाएंगे, फिर यहां पर एक और नाम लिखता हूं, ये लिख दिया। तो ये कुछ नाम हमने यहां पर टाइप कर दिए हैं, देख सकते हैं कितने नाम टाइप किए हैं, चार नाम टाइप कर दिए हमने, ठीक है। अब यहां पर क्या करूंगा, नेम में इंसर्ट कराऊंगा, नेम में इंसर्ट कराऊंगा। अब कैसे इंसर्ट कराना है, देखिए ये लिखेंगे नेम, नेम डॉट, क्या लगाएंगे डॉट। अब यहां पर इंसर्ट नाम का जो मेथड है, जो फंक्शन है, उसको मैं लगाने वाला हूं, ठीक है। और यहां पर पहले नंबर पर, पहले नंबर पे मैं क्या चाहता हूं, नीरज यहां लिखा हुआ आ जाए, तो ये नीरज लिख दिया। नीरज को डबल एंडेड कोट्स में आपको लिखना है, ये बात आपको ध्यान देनी है, ठीक है। इस तरीके से ये मैंने लिख दिया पहले, क्लियर। तो अब ये कर दिया हमने, इसको बंद कर दिया। बंद करने के बाद एंटर करके नीचे आएंगे, यहां पर प्रिंट करवा देंगे। पाइथन में तो प्रिंट ही यूज होता है, तो ये प्रिंट करवा दिया हमने। किसको प्रिंट करवाएंगे, नेम को प्रिंट करवाएंगे। तो ये लिख दिया नेम, ब्रैकेट को क्लोज करेंगे, कोई भी डबल डॉट कॉमा या सिंगल डॉट कॉमा में नेम नहीं देना है आपको, यह बात ध्यान रखनी है। रन करवाते वक्त ही हम इसको सेव कर लेंगे, यहां से इसको सेव करते हैं। जैसे मैं इसको नेम के ही नाम से सेव कर रहा हूं, नेम डॉट पीवाई, ठीक है। ये हमने सेव किया, एंटर किया, एंटर किया। अब ये देखेंगे तो यहां पर हमने जो इंसर्ट कराया था क्या वो इसमें आया हुआ है, क्या वो इसमें आया हुआ है, ये देखना है। तो यहां पर देखिए, यहां पर नंबर वन पे, नंबर वन क्या हुआ, सूरज नहीं, नंबर वन राहुल है, ठीक है। तो यहां पर देखिए एक दो तीन चार नाम है, यहां पर कितने नाम है, 1 2 3 4 5, ठीक है। तो यहां पर आप देख सकते हैं कि नंबर वन पे फर कौन था, राहुल था, राहुल के बाद सोहन था, फिर शैलेश था। लेकिन नंबर वन पे ये जीरो है, ये वन है, ये टू है, ये थ्री है, ये फोर है, यानी कुल मिला के पांच जो है इसमें नेम ऐड हो गए हैं। पहले चार थे, अब पांच हो गए। अगर आप और भी नेम ऐड कराना चाहते हैं तो क्या करेंगे, तो फिर इसको हटाएंगे इस तरीके से, ये प्रिंट जो लिखा मैंने, या फिर यहां पर एंटर करके नीचे आ जाते हैं। यहां पर वापस से लिखता हूं एनएमई नेम डॉट, ठीक है, ध्यान दीजिएगा। यहां पर फिर मैं इंसर्ट करा रहा हूं, ये लिखा इंसर्ट, और यहां पर आप दूसरे नंबर पे इंसर्ट कराऊंगा, दो लिख दिया यहां पे, और यहां पे लिख देता हूं कोई नाम, जैसे मैं लिख देता हूं उमेश, एक नाम लिख दिया मैंने उमेश, और इस तरीके से करके और डबल डॉट कोट्स को क्लोज किया। अब देखिए यहां पर दो नाम इसमें ऐड कराए, एक तो नीरज ऐड हो चुका है पहले से, अब दूसरा जो है उमेश ऐड करा रहा हूं। यहां पे क्या करेंगे, यहां से जाएंगे और इसको रन करवाते हैं, ठीक है, और देखते हैं क्या रिजल्ट आता है। तो यहां पे देख सकते हैं ये, यहां पर जब ये नीरज इंसर्ट हो गया इसमें, तो पहले पे तो नीरज आ जाएगा, ठीक है, पहले पे तो नीरज आ जाएगा, ये जीरो है, जीरो पे सूरज लिखा हुआ है, और दूसरे पे उमेश आ जाएगा, ठीक है, क्योंकि हमने यहां दो ही तो दिया हुआ है। इसी तरीके से और भी आप कर सकते हैं, यहां पर और भी नाम आप इंसर्ट करा सकते हैं। कैसे करेंगे, यहां पर लिखेंगे नेम डॉट इंसर्ट, इंसर्ट वो मेथड है, वो फंक्शन है जिसके थ्रू आप इंसर्ट करवाएंगे। इस बार हम पांचवें नंबर पे इंसर्ट करेंगे, तो पांच नंबर है क्या इसमें, काउंट कर लेते हैं, नेम 1 2 3 4 5 6 6 है, तो हमारे पास 6 है, यानी कि पांचवा नाम क्या है, उमेश है, महेश। तो एक और नाम दे दिया हमने महेश, और ये ध्यान रहे कि ये डबल डॉट कॉमा या सिंगल डॉट कॉमा में ही रखना है इसको, तो यहां पे हमने डबल डॉट कॉमा ही यूज किया, तो ये डबल डॉट कॉमा ही यूज कर लेता हूं, ये हो गया। अब इसको बंद कर देंगे यहां से, बंद करके और फिर एक बार इसको चलाएंगे, ठीक है, F5 प्रेस करेंगे, F5, तो ये F5 प्रेस किया, अब ये चलेगा। तो यहां पर आप देखेंगे कि यहां पर शैलेश के ठीक पहले क्या आया हुआ है, शैलेश के ठीक पहले क्या आया हुआ है, महेश आया हुआ है, ठीक है, आई बात समझ में। तो ये कितने नंबर पे आया हुआ है, तो यहां पे मैंने 5 लिखा हुआ है, तो काउंट करते हैं 0 1 2 3 4 5, यानी एग्जैक्टली 5 नंबर पे आया हुआ है। तो उम्मीद करता हूं ये जो इंसर्ट नाम का मेथड है पाइथन में वो आपको जरूर समझ में आया होगा। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगती हो तो आप भी शेयर कर सकते हैं, सवाल हो कोई तो पूछ सकते हैं, चाहे वो डेटाबेस से हो, चाहे वो टेलीप्राइम से हो, चाहे वो किसी भी फील्ड से हो, जितना मैं सिखाता हूं सब में से कहीं भी से भी आप सवाल पूछ सकते हैं। सो थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।